Welcome to my channel and here is my second vlog. आप सब कैसे हो? तो अभी मेरे समर वेकेशन चल रहे हैं, तो आज मैं जा रही हूँ श्री गंगानगर मेरी मासी के घर। तो आप पूरा व्लॉग देखना। तो अभी के लिए तो हम आ चुके हैं श्री गंगानगर आज मासी के घर। तो आज हानी ने व्लॉग स्टार्ट किया, तो कैसा लगा आप सभी को? और अगर आपको बिल्कुल भी हम मेरा मतलब इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं लगा तो इस वीडियो को डिसलाइक कर देना, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना अच्छा लगा या बुरा लगा। तो हम ये कह रहे थे हम जा रहे हैं वैसे हम जा रहे हैं मनाली। तो हम जा रहे हैं मनाली, इसलिए हमें शॉपिंग भी करनी है। इसलिए हम आए हैं गंगानगर। हाँ, और शॉपिंग करने के लिए मतलब शॉपिंग में हमें जो भी चाहिए उसका व्लॉग भी मैं आपको दिखाऊंगी, और मनाली जाएंगे उसका भी व्लॉग दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून। तो अब हम आ चुके हैं शॉपिंग करके, और हमने बिल्कुल भी वीडियो नहीं ली शॉपिंग की क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। लेकिन आपको मनाली के व्लॉग ज़रूर देखने को मिलेंगे। और अब हम जा रहे हैं अपने घर, और फिर हम पैकिंग करेंगे और फिर जाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज है 1 जून 2023 और अब हम जा रहे हैं मनाली, और हम लोग रेडी भी हो चुके हैं। और ये हमारे कल शूज़ लाए थे, बहुत प्यारे शूज़ हैं। तो फाइनली हम निकलने वाले हैं, और यहाँ पे डैडी और चाचू कार के अंदर सामान डाल रहे हैं, तो हम बाय कार जा रहे हैं एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। अभी हम रुके हैं नर्सरी में, तो यहाँ ये वो नर्सरी जहाँ से डैडी अपने पौधे लेके जाते हैं, तो यहीं से डैडी पौधे ख़रीदते हैं अपने हमारी नर्सरी के लिए। तो मैं आपको इसका थोड़ा टूर कराती हूँ, और ये रास्ते में ही पड़ती है मनाली से जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से मनाली के रास्ते में पड़ती है, और बहुत ही ब्यूटीफुल नर्सरी, बहुत बड़ी है, मतलब इतनी ग्रीनरी है ना, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितने पौधे हैं। तो अभी हमने यहाँ पे एक ये गुरुद्वारा है, तो पता नहीं ये कुछ आगे, तो हमें यहाँ पे ना बस पेड़ मिला था हमें, हम यही जगह ढूंढ रहे थे खाना खाने की, तो हम यहाँ पे खाना खाएंगे और पेड़ के नीचे खाना खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। आज मम्मा मतलब मम्मा ना घर से खाना बना के लाए थे, और चाची भी, तो राइस है कुछ ना कुछ है, बस खा लेंगे हम, और बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे बैठ। तो अभी हम ना थोड़ा सा ऐसे ही रुके हैं थोड़ा रेस्ट वगैरह करने के लिए, क्योंकि हम लगातार 3 या 2 घंटों से चल रहे थे। और व्यू देखो कितना मस्त है, वहाँ पे पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं। कल ये हाईवे रोड है, और ये हमारी कार है, वहाँ पे वो पहाड़ी पहाड़ है, अब हम पहाड़ों के पास जाएंगे। और यहाँ से ही देखो कितना अच्छा लग रहा है, बस अभी थोड़ा रुकेंगे और फिर चलेंगे। तो यहाँ से ना चढ़ाई शुरू हो चुकी है और हम पहाड़ों पे जा रहे हैं, और पता है वहाँ पे नीचे इतनी खाई खाई दिख रही थी ना, हमें तो डर बहुत लग रहा था। मैं आपको दिखाना चाहते थे लेकिन हम ये मतलब एक साइड में पता एक साइड में पहाड़ था और नीचे साइड बस खाई खाई थी, अगर आप नीचे देखते ही मेरे तो डर लगने लग जाता है, लेकिन हम पहुँच गए थे फाइनली। तो अभी हम रुक चुके हैं होटल में, रात के 1:30 हो रहे हैं, बहुत थक चुके हैं, तो ये होटल मिला है हमें अभी, और बहुत अच्छा होटल है। बस अभी डैडी ना बुकिंग कराने गए हैं अंदर होटल की, और मैं दिखाऊंगी आपको होटल का रूम। होटल के रूम में पहुंच चुके हैं, तो ये देखो ये यहाँ पे नीचे का फ्लोर था और वहाँ पे है, और ये देखो धानी यहाँ पे शरारतें कर रही है। यहाँ पे ये रूम्स है और हमारा रूम है ये वाला,
रूम भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे अलमीरा है, यहाँ पे ये वॉशरूम है। ऊपर गीजर और शावर भी है और यहाँ पे है मिरर। और ये कितना अच्छा कम्फी सा बेड है, टीवी भी है और यहाँ पे ग्लासेस, टिश्यू भी है। ये रूम है एंड इसी के अंदर एक और रूम है जिसके अंदर ये है टेलीफोन एंड है होटल का मेन्यू। कितना महंगा है सब कुछ। यहाँ पे भी अलमीरा है, बेड है। ये है बालकनी जो कि बाहर का व्यू दिखाती है, लेकिन मैंने भी नहीं देखा। डर जाएगी दीदी। ये खुली नहीं रही है गाइस, अभी मैं ट्राई करने वाली हूँ। हाँ, जानी ट्राई करेगी, बहुत ताकतवर है ना ये। बेड भी बहुत कम्फी है, बस अभी कूदूंगी पैर होके। जो मैडम ये ना ऊपर से लॉक किया हुआ है। नहीं नहीं है, मेरा हाथ भी नहीं पहुँच रहा। हटो डैडी को। फाइनली इट्स ओपन। अरे ये क्या है? ये तो प्रैंक ही हो गया। ये तो यहीं का गेट खुल रहा है, मेरे को लगा ये आगे बालकनी होगी। इतनी मेहनत से हमने गेट खोला और मिला क्या, ये। गुड जॉब। तो ठीक है, अब हम इसी होटल में रुकेंगे रात को। तो अब मैं मिलती हूँ आपको। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 2 जून और मैंने आपको कल बताया था ना अपने रूम के कि मैं आपको सुबह व्यू दिखाऊंगी। और क्या व्यू है, मैं दिखाती हूँ। ये हमारा व्यू का गेट रूम का। और ये देखो कितना प्यारा व्यू है। ये ना पहाड़ है, तो पहाड़ों को काट काट के ये चीज़ बनाई गई है और वहाँ पे पहाड़ों को काट काट के वो घर बनाया हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है वो, मतलब ऐसे लग रहा है रानियों का घर है वो। लेकिन जिस होटल में रुके हैं ना, उस होटल का रूम है वो, सॉरी उस होटल का के मैनेजर या पता नहीं उस होटल का पता नहीं किसका घर है वो। और देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ से, हर चीज़ कितनी प्यारी है, इतनी ग्रीनरी है ना। वो जो दिख रहा है ना, ये जिगजैग सा ये रास्ता है, ऊपर नीचे ऐसे जाने वाला। तो होटल वाले यहाँ पे ये ब्रिज है और जो ब्रिज है ना, ब्रिज के ऊपर से जाते हैं वो लोग और यहाँ से ये तारों के साथ ये पता नहीं ऊपर जाते हैं। कितना मस्त है, और वो ऊपर पहाड़ है। तो हम निकलेंगे आज मनाली के लिए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, है ना नानी? यस, एंड बहुत खुश हूँ मैं क्योंकि हमें 13 घंटे सफ़र किया है। हाँ, बस 13 घंटे सफ़र किए इसलिए नानी खुश है ना। हाँ, तो अब हम जाएंगे नहा धो के, तैयार वगैरह होके मनाली ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद वहाँ का व्यू देखेंगे। यहाँ पे तो मेरा जाने का मन ही नहीं कर रहा है, बस रात को अगर ये व्यू दिख जाता ना तो बहुत मज़ा आता था। वहाँ पे वो देखो घर वगैरह बना रखे हैं पहाड़ों को काट काट के। और यहाँ पे स्पेशल बात पता है क्या है, जो कि मुझे तो आज ही पता चली है, मतलब कल ही पता चली थी, कि पहाड़ों में भी ये खेती करते हैं। देखो ये जो ये जैसे पौधे वगैरह लग रहे हैं ना, ये भले ही ना उगाए हों लेकिन ऊपर वहाँ पे ना वो टमाटर वगैरह सब कुछ उगाया होता है, वेजिटेबल्स उगाई होती हैं। तो मेरे को तो पहली बार पता चला कि पहाड़ों पे भी उगाया जाता है, खेती की जाती है। और ऊपर भी कितने टावर्स लगे हैं ताकि नेटवर्क पहुँच सके। वो देखो ये है ना, ये टावर है, पहाड़ों पे भी टावर लगे हुए हैं। और रात को इतनी बारिश आई है जिसकी वजह से थोड़ी सी ठंडी हो गई है, और मनाली में तो ठंडी होनी ही होनी है। बस अब हम निकलते हैं, तैयार होते हैं। तो हम तैयार हो चुके हैं नहा धो के, और मैंने ये फिर से यही वाला टॉप पहन लिया है और नीचे पहनी है जीन्स। और अब हम जाएंगे मनाली के लिए। अभी यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर है, हमें वहाँ पे जाना है। अभी सब तैयार हो रहे हैं, उसके बाद हम निकलेंगे।